अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबले हारने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले पर सभी की नजरें हैं और दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले से पहले एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला गया। वास्तव में यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा। रनों की बौछार भी इसमें हुई और गेंदबाजों की किस्मत भी चमकी। काफी विकेट भी इस मैच में देखने को मिले। तो चलिए बताते हैं किसका सिक्का इस मैच पर चला और किसने मारी बाजी। रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम के समर्थक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह दो दिन का इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया था, जिसमें सिर्फ एक ही पारी होनी थी। वैसे तो यह अभ्यास के लिए मैच था, लेकिन यह मैच इतना ज्यादा रोमांचक रहेगा इस बात की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। 10 ओवर में टीम के बल्लेबाजों ने 41 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। सलामी बल्लेबाज एल्गर ने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मार्करम 24 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। उसके बाद टोनी डी जॉर्जी को 17 रन के स्कोर पर सिराज ने अपना शिकार बनाया। 83 रन पर दो विकेट हो गए थे, लेकिन एल्गर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। पीटरसन के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को 2 तीसरी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। 115 रन के स्कोर पर उन्होंने पीटरसन को अपना शिकार बना दिया था। लेकिन आपको बता दें कि वेडिंगम और मार्करम के बीच एक साझेदारी हो गई। दोनों ने 175 रन तक टीम का स्कोर पहुंचा दिया और एल्गर शतक भी लगा चुके थे। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 381 रन तक रोकने में कामयाब रही। जसप्रीत बुमराह को 3 तो सिराज को भी 2 सफलता मिली। इसके अलावा मुकेश ने 3 विकेट लिए तो अश्विन को भी 2 सफलता मिली। 382 रन एक दिन के खेल के अंदर ही भारतीय टीम को बने थे। वैसे तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाजी कर दिखाई और सिर्फ 7 ओवर में 50 रन का आंकड़ा बोर्ड पर लग चुका था। हालांकि इस बीच यशस्वी जायसवाल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। शुभमन गिल भी सिर्फ 12 रन ही बना सके। 71 रन पर 2 विकेट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद मोर्चे को संभाल विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने। दोनों ने टीम इंडिया का स्कोर 150 रन तक पहुंचा। रोहित शर्मा शतक के नजदीक थे, लेकिन 90 रन के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में वह आउट हो गए। 161 पर 3 विकेट हो गए थे और उसके बाद अय्यर ने भी यहां पर शर्मिंदा कर दिया। सिर्फ 4 रन बनाकर वह आउट हुए। भारतीय टीम को चौथा झटका 167 रन के स्कोर पर लग गया था। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन विराट अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने केएल राहुल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय टीम को 200 का आंकड़ा नसीब हुआ। 51 ओवर में 40 ओवर में अभिजीत के लिए 182 रन की जरूरत थी, लेकिन इस बीच आउट हो गए केएल राहुल 27 रन बनाकर। विराट कोहली ने इसके बावजूद भी रविचंद्रन अश्विन के साथ जिम्मेदारी को संभाला। दोनों के बीच साझेदारी पनपी और विराट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया था। अश्विन ने 253 रन तक साथ दिया, लेकिन उसके बाद वह भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। और आप शार्दुल ठाकुर ने विराट कोहली के साथ जिम्मेदारी को संभाल। विराट शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 300 रन तक ले गए। विराट ने अपना शतक 154 गेंद में पूरा कर लिया था। बता दे कि अभी 82 रन की जरूरत थी और सिर्फ 15 ओवर का खेल बचा था। उसके बाद शार्दुल ठाकुर 23 रन बनाकर 7वें विकेट के रूप में आउट हुए। ऐसे में क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह, विराट ने उनके साथ साझेदारी बनाई। बता दे कि टीम ने 350 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन बुमराह भी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम 3 ओवर में 32 रन की जरूरत थी और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करी और 88वें ओवर में 12 रन बना दिए थे। उसके बाद अगले ओवर में विराट ने 2 शानदार चौके लगाकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और विराट कोहली ने शुरुआती 2 गेंद में 2 रन भागकर पूरे किए। 4 गेंद में 13 की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली ने कदमों का उपयोग करते हुए सामने की तरफ शानदार छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। विराट ने 209 गेंद में 187 रनों की शानदार पारी खेल अपनी टीम को विजेता बनाया गया था। आप सभी विराट की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।